25 अगस्त को ग्राम रघुआ डीह निवासी रविशंकर मिश्र पुत्र रामाकांत मिश्र की पुत्री 11 वर्षीय कुमारी अंजलि अपने भाइयों से दिन में 11 बजे झगड़ा कर नाराज होकर घर से कहीं चली गई। उसको काफी तलाश करने के पश्चात भी उसका कुछ पता नहीं चलने पर बच्ची की गुमशुदगी की सूचना थाना बांसगांव पर दिया गया, जिस पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 271 2021 धारा 363 IPC में पंजीकृत करते हुए गुमशुदा की तलाश हेतु थाना स्तर पर 3 टीमों का गठन कर एक टीम को गोरखपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर, दूसरी टीम को गुमशुदा के रिश्तेदारों एवं थाना क्षेत्र के बाजार, टेम्पो स्टैंड आदि स्थान पर तलाश एवं CCTV कैमरे चेक करने तथा टीम तृतीय को गुमशुदा के ग्राम रघुआ डी के आसपास के गांव में सर्च ऑपरेशन में रवाना किया गया। प्रभारी निरीक्षक स्वयं अपनी एक टीम के साथ तलाश में टीमों को उचित दिशा निर्देश दिया गया एवं जनपद के थाना प्रभारियों एवं डिजिटल वॉलंटियर ग्रुप में तलाश हेतु पोस्टर मैसेज भेजे गए। वहीं गुमशुदा बच्ची धौताल पुत्र श्रीपत निवासी ग्राम बरनी गोपालपुर जनपद गोरखपुर को बांसगांव से घर वापस आते समय रास्ते में भटकते हुए मिली थी। धौताल ने गुमशुदा अंजलि को अपने साथ सुरक्षार्थ अपने घर लाकर अपने घर की महिलाओं के साथ रखे थे, जिनके घर से ही बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। पुलिस की तत्परता से बरामद गुमशुदा के परिजनों एवं गुमशुदा बच्ची के चेहरे पर खुशी के आंसू आ गए, जिस पर परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। गुमशुदा लड़की अंजलि उम्र 11 वर्ष की 10 घंटे के अंदर सकुशल बरामदगी और श्री धौताल पुत्र श्रीपत निवासी ग्राम बरनी गोपालपुर ने गुमशुदा अंजलि को सुरक्षार्थ अपने घर लाकर अपने घर की महिलाओं के साथ सुरक्षित रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के निर्देशानुसार क्षेत्राधिकारी बांसगांव द्वारा धौताल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ अरुण कुमार सिंह ने कहा, कल थाना बांसगांव क्षेत्र में अंजलि नाम की एक 11 वर्ष की लड़की, जो रघुआडी की रहने वाली है, अपने घर में भाइयों से कुछ हाथ टाक के बाद घर से चली गई थी। उसके पिता श्री रविशंकर मिश्र ने थाने को सूचना दी। तत्काल बांसगांव पुलिस ने अभियोग पंजीकृत किया। थाना बांसगांव की टीम क्षेत्राधिकारी बांसगांव के नेतृत्व में और थाना प्रभारी बांसगांव के नेतृत्व में लगातार इस लड़की की रात भर उसने खोजबीन की। आज प्रातः 9:30 बजे पता चला कि एक जिम्मेदार नागरिक धौताल, जो गोपालपुर के हैं, बढ़नी गोपालपुर के, उन्होंने जब इस बच्ची को रात में पाया तो उसे अपने घर की महिलाओं के साथ सुरक्षित रखा और सवेरे जब पुलिस ढूंढते हुए पहुँची तो उन्होंने इस बच्ची को सकुशल सुपुर्द किया है। पुलिस की ओर से धौताल, जिन्होंने जिम्मेदार नागरिक का परिचय दिया है, उनको भी प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है और लड़की नियमानुसार कार्यवाही करके उनके परिजनों को सुपुर्द की जा रही है। अभियोग जो है वो तत्काल पंजीकृत हो गया था, उसकी विवेचना भी कंप्लीट की जाएगी, क्योंकि इसमें किसी अपराध का होना नहीं पाया गया है तो एक तरह से FIR लगेगी।